वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं जा रही हूँ कमला नगर, और ब्लॉग शुरू में यहीं से कर रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 1 और 1 बजे मैं निकल रही हूँ कमला नगर जाने के लिए। अब वहाँ जाके आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी। बंद गेट बाबू को ले लूँगी। पहुँच चुके हैं कमला नगर, और कमला नगर आज संडे है तो संडे को कमला नगर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आज भी बहुत ज़्यादा है। थैंक गॉड हमें शॉपिंग नहीं करनी, हम किसी और काम के लिए आए हैं। अदर जगह से शॉपिंग करनी आती तो मैं कभी भी संडे प्रेफर नहीं करती कमला नगर में। ना मुझे कुछ काम था तो मैं कमला नगर आई थी। मुझे कार्ड देना था एक्चुअली अपनी भाभी को, तो मैं इसलिए आई थी कमला नगर। वो यहीं पे रहती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ भी थी और बहुत अच्छे अच्छे स्टफ़ आए हुए थे, पर शॉपिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं करी थी इस दिन। इस दिन बस मैं जो काम के लिए आई थी वो करी थी, चांदनी और मैडम कैसे शॉपिंग करने के लिए। मैं भाभी के पास रही थी क्योंकि संडे के दिन रश बहुत ज़्यादा होता है। टाइम हमें बहुत ज़्यादा रश मिला, मतलब हमें निकलना मुश्किल हो रहा था मार्केट से इतना ज़्यादा। उसके बाद मैं घर पहुँची रात को, राशन पानी आया क्योंकि भलवाई को लग रहा था 27 तारीख से घर में भीड़ लगनी शुरू होने वाली थी। तो सारा राशन पानी आ रहा था कि क्या क्या चीज़ें मतलब चाहिए घर में हलवाई के लिए। पागल हो गया पागल हो गया क्या तुम? उसके बाद बच्चों को स्कूल से लाने में गई अगले दिन, और उसके लिए कपड़ा लेना था मुझे, बारात में जो पहनना था वो कपड़े लेने गई मैं उसके लिए। और फिर घर आके हमने खाए नमकीन चावल, क्योंकि घर में कुछ खाना ही नहीं बना था। और मम्मी यहाँ पे आंटी से सामान रखवाई थी, जो तेल वगैरह का डब्बा है वो सब कुछ। प्रैक्टिस कर बनी गया था, हम दोनों हम सब मतलब डांस प्रैक्टिस करते थे। मैंने अपना क्लिप ऐड नहीं किया, बहुत बेकार है, आप देखोगे तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे। उसके बाद शाम को बच्चों को पढ़ाना भी मेरी ड्यूटी थी, और इसी बहाने बच्चों पढ़ भी लेती थी और सबको पढ़ाने में बैठती थी। डुगू तो काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, बाकी ये दोनों मेरे दिमाग ख़राब कर देती थी। बना रही है ओल के सब्जी मम्मी ने बनाया आज ओल की सब्जी, चावल और पत्ता गोभी की भुजिया, और दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है, खाने में तो ऑफकोर्स टेस्टी होगी। तो बस मैं अपना लंच करने जा रही हूँ। और खाना पीना खा के मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलने के लिए बैठी, क्योंकि इसे पूरा टाइम नहीं दे पाई थी मैं, इधर उधर लगी रह रही थी। और ये बहुत ही मज़े से खेल रहा था, और ये मेरा सबसे फेवरेट काम बोलिए या सबसे फेवरेट टाइम बोलिए जो मैं इसके साथ स्पेंड करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स देने लगते हैं बच्चे और हंसने लगते हैं, तो अच्छा लगता है उनसे बात करने में। और अगर मैं सो जाती हूँ और ये जाकर है और इससे बात ना करूँ तो रोने लग जाएगा, इसको पता चल जाता है जो मेरे साथ वाला है वो सो रहा है, तो वो मुझे उठा देता है, वो बिल्कुल मुझे सो नहीं देना चाहता। तो बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ। और फिर आज से सारे रिचुअल्स चालू हो गए थे जो अदौरी वगैरह पारने वाले होते हैं, बिहार में चीज़ें होती हैं। तो मामी आई थी और ये 5-6 लोग मिलकर के करते हैं, गीत गाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज अदौरी का रिचुअल है। मैं सारी शादी की मैंने वीडियोस बनाई है, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ इनिशियल टाइम से पोस्ट कर रही हूँ जो जो चीज़ें हो रही थी, तो थोड़ा सा लेट होगा लेकिन सारी वीडियोज़ आपके पास ज़रूर आएंगी। और अब देख रही हूँ ना सारी चीज़ें, तो लग रहा है जैसे कितनी जल्दी ये टाइम बीत गया यार। मतलब शादी 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 लग रखा था, और शादी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, और यहाँ पे भाभी साग बना रही हैं सबके लिए, खाना बना रही हैं। तो जब भी पहला जो शगन होता है उस दिन साग वाग और कढ़ी ये सब बनना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्यों पता नहीं क्यों, लेकिन साग कढ़ी ये सब बनता है ज़रूर है। तो वो साग बन रही है, कढ़ी बन चुकी है, और यहाँ पर कुछ साग को छोंकने की तैयारी करें बड़ी माँ चाची सब बैठे। काली मिर्च पाउडर है, ये सब अदौरी लाल मिर्च पाउडर है, अब इसके तो बड़ी मम्मी ऊपर ले गई, सब देख लिया मैंने। अब ये सारी टीम जा रही है अदौरी पारने, ये पहला शगुन है शादी का, और अदौरी पारने के लिए साड़ी में पिन लगना होना जरूरी है। जो भी अदौरी पारने जाए हम लोग पिन लगाएंगे। अब चलो
तो वड़ियाँ होती हैं बेसिकली जो बाज़ार में मिलती हैं वो है वड़ियाँ। तो ये चावल दाल ये सब पीस करके बनाई जाती है और ये पाया जाता है यहाँ तो बहुत छोटा सा इन लोगों ने किया। गांव में पता है एक चारपाई में पूरा बिछा देते थे और फिर वहाँ पे पूरा भरते थे, इतनी सारी औरतें होती थी मिल करके। तो यहाँ मैं पौधों को भी दिखा रही हूँ, मोना ने कितने संजो करके इनको रखा है, वही आती है प्लांट को पानी देने के लिए और उनको उनकी देख रेख करने के लिए, हर चीज़ वही करती है। तो अब मतलब जब मैं व्लॉग बना रही हूँ और इसको एडिट कर रही हूँ तब तक तो उसकी विदाई हो चुकी है, पर फिर आने वाली है। ये हमें पता होता है कि आने वाली है, लेकिन शादी के बाद आप पराए हो जाते हो, चाहे आप मानो ना मानो, आप एक नई ज़िंदगी में ऐसे ढल जाते हो और उसी के होके रह जाते हो। अगर मैं अपना सोचूं कि मैं पुरानी ज़िंदगी को वापस जीना चाहूँ, मैं कहीं नहीं जी सकती। मैं चाहे मायके में भी रहूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी, बच्चों का स्कूल है, वो घर है, वो वहाँ पर चीज़ें कर रही है, कुंवारी में सारी चीज़ें कुछ नहीं होती यार, हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं और उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी शादी करवाते हैं अपने से छोटों की, पता नहीं क्यों ये रिचुअल बना है कि शादी करना ज़रूरी है। और हम अपने ही हाथों से अपने जो प्यारे होते हैं उनको दूर भेजते हैं उनकी खुशी के लिए, ताकि उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके साथ एक पार्टनर हो, वो खुश रहे, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ रह नहीं सकते। और ये फैक्ट है कि हम नहीं रह सकते सबके साथ हमेशा, उनको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। लग गया चाची, लग गया, सब लोग लगाएंगे, बहुत चलाक है। मांग टिक दीजिए ना, जोड़े मांग टिक नहीं गया, कहां रखी होती हाँ, बहुत अच्छा बोली हो रही है। अरे लगाया क्यों जाता है गाल में भाई, होता है सलाम क्या, ताकि जो बड़े पापा खाना पा ले गया, मैं ले जा रही हूँ, कुछ खराब नहीं मिला होगा। जब इन लोगों ने गीत वगैरह गा लिया उसके बाद खाना खाने बैठे हैं ये लोग सारे के सारे, और भाभी इनको खिला रही थी और मम्मी ने ओल का चोखा बनाया था, जिमीकंद का चोखा। तो इन लोगों को सारी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जिमीकंद का चोखा मैं तो नहीं खाती हूँ, और बाकी ओल की सब्जी भी बनी थी, कढ़ी भी बनी थी, साग बना था, आलू की सब्जी और पत्ता गोभी की भुजिया, ये सारी चीज़ें थी। तो वो सब बैठ करके खाना खा रहे हैं, सारी गोतनी जितनी है वो सारी साथ में, देवरानी जेठानी बैठी हुई यहाँ पे, और भाभी सबको खाना खिला रही है, अपनी सासू माँओं को सब, ये बड़ी माँ है मेरी, चाची हैं छोटी, सबसे छोटी चाची है मम्मी, और साथ में मामी बैठी हुई है मम्मी के, और वो मैडम है जो चांदनी की मम्मी है, और चांदनी पीछे खाना खा रही है। तो सब लोग साथ में थे और मैं वीडियो बना रही थी, खाना तो मैं भी खा रही थी। ऊपर गाना बजाना चल रहा था और श्रुति गई हुई थी मार्केट में लहंगा लाने के लिए, और बहुत ही प्यारा लहंगा लेकर के आई थी। और हमारे घर में संगीत का प्रोग्राम चालू हो चुका था, रोज रात को अपना रोज बैठक ऐसी लगती थी गाना बजाने के लिए। कम से कम प्लेट तो छोटा देना चाहिए, मजा नहीं आ रहा। छोटा प्लेट था मेरे यहाँ, छोटा प्लेट खेले था, अब ये सिखाएंगे। बेचारे मेरे मामा ऐसे मत क्या, तो बच्चा पति है वो भी पी जा रहे हैं। ये बंदे ब्लॉग में इधर चला गया, कितने लोगों के सामने मामा ने ऐसे चाय पी है। मैं क्या इसकी आगे की एक्टिविटीज़ आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सारी व्लॉग्स जो शादी से रिलेटेड है आने वाला है, धीरे धीरे करके मैं एक एक व्लॉग पोस्ट करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, व्लॉग को आप जल्दी से जल्दी देख पाओ।